दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे देंगे और बता देंगे कि क्या मैं लाइव आ चुका हूँ, ताकि इस अमेजिंग से सेशन की मैं शुरुआत कर सकूँ। बहुत मजा आने वाला है आज के इस सेशन के अंदर। सोगा का हम लोग देख रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे चीजों को देखते हुए चलने वाले है, राइट। और एक मिनट में बस यहाँ पे मैसेज डलवा दूँ और फिर उसके बाद हम लोग यहां पे चालू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाओ। हाँ चलेंगे। तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो अभी हम लोग यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो चेक एक बार दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, यस सर परफेक्ट है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, ठीक है। चलिए आइए। मेरा नाम है इंद्रेश गांधी दोस्तों। मैं आपको CA फाउंडेशन का लॉ और BCR और इसके साथ साथ CA इंटरमीडिएट का लॉ मैं कवर करवाता हूँ आपको इस वंडरफुल से अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई एम अ टीचर बाय पैशन एंड चार्टर्ड बाय प्रोफेशन। ये मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक है। अगर आप इस लिंक पर विजिट करते हो, दैट इज bit.ly/igsirlive, तो यहां पे आपको क्या मिल जाता है, यहां पे आपको मिल जाते हैं मेरे पूरे पुराने सेशंस, वो भी स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो मैंने अरेंज करके आप लोगों के लिए रखा हूं, ताकि आप मेरे पूरे फ्री सेशंस को देख पाए, ताकि आप मेरे जितने भी यूट्यूब के ऊपर सेशंस है ना, वो सारे यूट्यूब के सेशंस को आप देख पाए। इसके अलावा फेस टू फेस मैराथन हमारा होने वाला है बेटा, कहां पे, नागपुर में होने वाला है। 3rd and 4th June को यह मैराथन लेने वाला हूं मैं, कहां पे बताइए मुझे। ये मेडिसिन मार्केट यहां पे अहिल्या कॉम्प्लेक्स करके, वहां पे 4th floor पे ये जबरदस्त तरीके से ये मैराथन होने वाले है, और इसको आप रजिस्टर कर पाएंगे इसी लिंक से, दैट इज bit.ly/igsirlive, जहां पे आप जाके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर रीडायरेक्ट करेंगे आपको, और उसके बाद नॉर्मल प्रोसीजर्स है। एंड अगेन आप वहां पे IGSIR इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप रजिस्टर कर पाएंगे और आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। चले यस सर। चलिए अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो अभी हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे कौन सी चीज को। अरे भाई साहब असुर आ गया यार यहाँ पे, तो आइए। हाँ अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग अब सारी चीजों को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देयर इज, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ रहा हूँ, देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर purpose of goods supplied under the contract of sale, ठीक है। There is no implied बोला यहाँ पे, जबकि क्या implied होता है क्या? हाँ सर होता है। तो हमें क्या करना है? Discuss the significance and state the exceptions if any. तो इन लोगों का क्या कहना है? इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे समझिए बात को, नहीं वहाँ पे use code IG सर, वहाँ पे भी use code IG सर, हर जगह, ठीक है, आओ, है ना, Jio Premium IG सर, आइए। चलो तो डिस्कस कीजिए सिग्निफिकेंस और एक्सेप्शंस, आपको बताना होगा यहाँ पे कि कौन से एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो उसके बारे में सवाल पूछा गया, मेरे हिसाब से काफी डायरेक्ट सवाल है, एज सच इधर उधर घुमाया नहीं है, और मतलब सीधा सीधा जब सवाल पूछ ही लिया गया है तो अपने को इसका आंसर लिखना होगा। क्या आप आंसर लिखेंगे? थोड़ा सा ए कैटेगरी का सवाल है मेरे हिसाब से ये, तो हम लोगों ने आंसर इसका लिखना चाहिए। बाकी अब आपकी मर्जी है कि आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाएंगे फटाफट, जानबूझ के अब मैं थोड़े सुबह शाम सेशंस लूंगा, ताकि आप क्या हो जाए, ताकि फटाफट हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाए मैराथन से पहले, अदरवाइज फिर चीजें कवर नहीं हो पाएंगी और कॉन्फिडेंस वैसे तो आ जाता है, बट फिर भी यार, है ना। चलो चलो आ जाएंगे। कौन सा है बेटा ये आंसर नंबर? सभी लोग बोलो आंसर नंबर 5। मैं इस बार भी प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जो मैराथन सेशन है वो सुबह 7 बजे चालू करूँ, ताकि बहुत सारे बच्चों को है ना ऐसा दिक्कत होती है यार, कि मतलब वो उठ नहीं पाते या चीज़ें नहीं होती, लेकिन जब मेरा मैराथन सेशन रहेगा तो डेफिनेटली आप उठ पाएंगे, और डेफिनेटली मतलब एक वो रहता है ना कि नहीं यार जब सर आ रहे, मैं आपको बता रहा हूँ सुबह 7 बजे क्लास लेना इज़ मोर देन डिफिकल्ट फॉर मी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट सुधर सकता है, तो मैं वो एफर्ट्स डेफिनेटली ले सकता हूँ। तो बस वही है यार, अब मैं अगर आपके लिए एफर्ट्स लूँगा तो मैं खुद चाहूँगा कि आप भी, आपके तरफ से उतने इनपुट्स आने चाहिए। पिछले कई दिनों से, मतलब पिछले कई सालों से जब से हम मैराथन ले रहे हैं, मैं जानबूझ के सुबह 7 बजे का टाइमिंग चूज़ करता हूँ, ताकि क्या, ताकि वो एक लिंक मिल जाए आपको सुबह जब उठने की, एक वो मतलब यू नो ऐसा अर्ज होता है ना कि उठ पाए करके, ऐसी वाली बात है।
तो ज़रूर से उठिएगा और एकदम बढ़िया तरीके से मचाएंगे हम लोग। वैसे तो प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मैं 7 बजे ही रख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको वो आदत बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 से 15 दिन में अगर आपकी आदत रहेंगी तो वो बढ़िया तरीके से चीज़ें हो जाती है। ठीक है, चलो आ जाओ आंसर नंबर 5 के अंदर हम लोग आ जाते हैं, आ जाएंगे नेक्स्ट वाली चीज़ के ऊपर। आंसर नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे ये कौन से वाली चीज़ के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे देखो नो इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, है ना। लेकिन अपने को डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस और ये वाली चीज से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो ये जो स्टेटमेंट ऊपर बोल के रखा है ना, इम्प्लाइड वारंटी नहीं है, तो ये कब होता है, जब बायर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। बायर यहाँ पे कब रिस्पॉन्सिबल होता है, जब बायर बीवेयर रहना चाहिए ऐसा बोला जाता है। ये कहा बोला जाता है, ये बोला जाता है सर कैविट एमटर के अंदर, इसलिए मैंने इसको ए मार्क करवाया। आधे लोग इम्प्लाइड वारंटी वाला पॉइंट लिख के आएंगे, यहाँ पे लिखना वो भी है लेकिन यहाँ पे कैविट एमटर भी आपको लिखना है उसके ऊपर। अगर 5 मार्क का सवाल है तो 2 मार्क आपको कैविट एमटर के ऊपर मिलेंगे, 3 मार्क आपको एक्सेप्शन के ऊपर मिलेंगे, समझ रहे बात को। चलिए आइए लिखना स्टार्ट करेंगे, आ जाओ। एक्ट एप्लीकेबल, एक्ट एप्लीकेबल सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, चलो प्रोविजन पहला, पहला कैविट एमटर मींस, कैविट एमटर मींस लेट द बायर बीवेयर, लेट द बायर बीवेयर, लेट द बायर बीवेयर। आगे बढ़े, इट इज नो ड्यूटी ऑफ सेलर, इट इज नो ड्यूटी ऑफ सेलर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल टू गिव बायर, टू गिव बायर सूटेबल आर्टिकल फॉर हिज पर्पस, फॉर हिज पर्पस अनलेस एक्सप्रेस इन कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस एक्सप्रेस इन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए आइए उसके बाद, उसके बाद हाउएवर देर आर, भाई साहब मजा ही आ गया, देर आर सर्टन एक्सेप्शन टू द रूल, there are certain exception to the rule. Pehla, fitness as to quality or use, fitness as to quality or use, fitness as to quality or use. लिखे व्हेन बायर रिलाइज ऑन, व्हेन बायर रिलाइज ऑन सेलर्स स्किल एंड जजमेंट, व्हेन बायर रिलाइज ऑन सेलर्स स्किल और जजमेंट या एंड जजमेंट, and it is, and it is
एंड इट इज ड्यूटी ऑफ सेलर टू सप्लाई सच गुड्स विच आर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस It is duty of seller to supply such goods which are in ordinary course of business. As it should reasonably be fit for purpose. बराबर है? Yes, sir. ठीक है, एकदम आसान कर दिया अपन ने इसको. चलिए सेकेंड वाला पॉइंट लिखेंगे. अब सेकेंड वाला, गुड्स परचेस्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम हो गया. चलो In such case, there is no implied warranty / condition that goods shall fit for purpose. हो गया. चलिए तीसरा लिखो गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन इट इज इंप्लाइड कंडीशन that goods shall correspond with description comma if not seller is responsible बराबर है क्या? चलो आगे बढ़े क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर. अब लिखो फोर्थ वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट होने वाला है ये हमारा. देखिए फोर्थ वाली चीज, सेल बाय सैंपल. Where goods are bought by sample, bulk shall correspond with sample that is rule of caveat emptor does not apply. हो गया, बोलिए मुझे डन है क्या? यस. चलिए आगे बढ़ू मैं.
क्या मैं नेक्स्ट चीज के ऊपर जा सकता हूँ। देखो इन्होंने हो सकता है आंसर पेश करते वक्त मॉडल आंसर्स होते तो पूरे के पूरे चीज़ें दे के रखी है, सिंपल सी बात है क्योंकि ये मॉडल आंसर्स है इसलिए। अब इनमें से अगर 5 मार्क के लिए आता है तो मैंने आपको बताया पहले कैब अटेम्प्टर को एक्सप्लेन किया, उसके अलावा फिर बाकी 4 चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर दी है, 5 मार्क आपको मिल जाता है। कभी कभार बेटा समझिए भगवान ने इतना ज़बरदस्त दिमाग अपने को दिया है तो इसका प्लीज़ प्रयोग कीजिए। ऐसे फालतू सवाल जब आप पूछते हो ना कि सर हमको क्या पूरे पॉइंट लिखना होगा क्या, बेटा जब 10वीं में भी थे ना तब भी मैम कहती थी कि जितने मार्क के लिए है उतना मार्क का आपने लिख के आना चाहिए करके। फिर लेकिन उसके बाद बीकॉम आ गया और जीवन आपका बदल गया, लेकिन बीकॉम के कारण आपने अपना जीवन नहीं बदलना था, जो 11वीं 12वीं तक चल रहा था वो सही था। तो बस उसी चीज को फॉलो करो, जितने मार्क्स के लिए आया है उतने मार्क का वेटेज उसको दीजिए और उतनी चीज का ही यहाँ पे सॉल्व करके आइए। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं, बोलो मुझे जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर, देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आएंगे। एक्सप्लेन द कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू होलसमनेस अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब ये मर्चेंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग गुड्स को है ना रीसेल कर पाना चाहिए। मर्चेंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है बोलिए, हम लोग सर गुड्स को रीसेल कर पाना चाहिए उसे मर्चेंटेबिलिटी बोला जाता है। और होलसमनेस का मतलब क्या होता है कि वो फिट होना चाहिए पर्टिकुलर पर्पस के लिए जिससे आप गुड्स को कंज्यूम कर पाए। क्या बोला मैंने, जिससे आप गुड्स को कंज्यूम कर पाए उसे बोला जाता है होलसमनेस से रिलेटेड यहां पे बात की जाती है। आई थिंक सो डायरेक्ट सवाल है बेटा, सीधा सीधा पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या क्या आंसर होना चाहिए, है ना। देखो कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी का मतलब क्या है, जहाँ पे आप गुड्स, वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन अ गुड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो प्रोड्यूसर हो या नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल बी ऑफ अ मर्चेंटेबल क्वालिटी। गुड्स का मर्चेंटेबल क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है सर। उसके बाद देखिए, प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर एज examined the goods there shall be no implied condition as regards to the defects in such examination sought to be revealed करके। मतलब क्या, अगर buyer ने यहाँ पे goods को examine किया है तो यहाँ पे कोई implied condition नहीं होती है बेटा कि defects अपने आप यहाँ पे बाहर आ जाए, या ये वाली चीज है। merchantable quality का simple सा मतलब होता है कि जो एक man of ordinary prudence accept करेगा goods को of that particular description। जैसे अगर मैं mobile phone खरीदने जा रहा हूँ और mobile phone की screen अगर मान लीजिए टूटी हुई है तो क्या आपको लगता है मैंने मोबाइल खरीदना चाहिए करके, नहीं सर हमें नहीं लगता है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, गुड्स वो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में समा जाए, बस ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। इट डज नॉट इंप्लाई एनी लीगल राइट या लीगल टाइटल टू सेल, मतलब यहां पे लीगल राइट या लीगल टाइटल टू सेल ऐसा इसका मतलब नहीं होता है, बस हमें गुड्स क्या चाहिए प्रॉपर क्वालिटी के चाहिए जिस क्वालिटी में आप डिस्क्राइब करते हो, ऐसी वाली बात यहां पे की गई है सर। अब देखो कंडीशन एज टू होलसम क्या कहता है, कंडीशन एज टू होलसमनेस का कहना है कि ईटेबल्स और प्रोविजंस के केस में, जैसे फॉर एग्जांपल आप सैंडविच खाने गए बेटा, आपने सैंडविच का एक बाइट लिया, आपको नजर आता है बढ़िया तरीके से एक कीड़ा मकोड़ा उसके अंदर घूम रहा है करके, मस्त है ऐसे ऐसे रेंगते हुए चल रहा है, नहीं सांप नहीं है वो, तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या कहूंगा, ये कंडीशन ऑफ होलसमनेस को ब्रीच करता है, समझ रहे आप बात को। आपने यहाँ पे मिल्क खरीदा, मिल्क फटा हुआ निकला, अब घर पे कलाकंद बनेगा, तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा कि यहाँ पे होलसमनेस ब्रीच हो रहा है। होलसमनेस ब्रीच हो रहा है का मतलब क्या होता है, होलसमनेस का मतलब कि वो फिट फॉर कंजम्पशन होना चाहिए, उसे होलसमनेस का नाम यहां पे दिया जाता है। क्या आप इस बात को समझे, है ना। इन एडिशन टू इंप्लाइड देयर इज नो अनदर इंप्लाइड कंडीशन एज द गुड शैल बी ऑफ होलसम क्वालिटी, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। एकदम सिंपल है, यस सर एकदम सिंपल है, आ जाएंगे अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। देखो मिस्टर अमित हु वॉज शॉपिंग इन अ सेल्फ सर्विस सुपर मार्केट, ही पिक्ड अप अ बॉटल ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम अ शेल्फ, वाइल ही वॉज एग्जामाइनिंग द बॉटल इट एक्सप्लोडेड इन द हैंड एंड इंजर्ड हिम, ही फाइल्ड अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द ओनर ऑफ द मार्केट ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है, है ना। अच्छा, और कंडीशन ब्रीच हुआ है फिर भी डैमेजेस मांग रहा है, बहुत ही बढ़िया, वारंटी बोलता तो समझ में आता। डिसाइड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वेदर अमित वुड सक्सीड इन हिज क्लेम, तो क्या अमित यहाँ पे सक्सीड कर पाएगा, तो ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो आपने एक चीज सुनी है दोस्तों, और वो चीज क्या कहते हैं कि भैया मतलब ऑब्वियस सी बात है, गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, मतलब उसको प्रॉपरली सील्ड होने चाहिए, और अगर वो हैजार्डियस नेचर के तो आपने बताना चाहिए कि वो हैजार्डियस नेचर के। अब देखो यहाँ पे अगर बॉटल को मैंने उठाया और वो हाथ
में ही फट रही है बेटा, तो ये तो बहुत ही हो गया। ये क्या मतलब बॉटल है, सैमसंग S6 या S7 था ना कुछ, तो भी फटे जा रहा था वो, है ना। तो ऐसे केस के अंदर इनका कहना है कि यहाँ पे मर्चेंटेबल क्वालिटी वाला गुड्स नहीं है, अगर वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का होता तो ऐसी वाली बात नहीं आती। तो अमित क्या सक्सीड होने वाला है क्लेम के अंदर? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सक्सीड होने वाला है, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली गई है। बहुत बढ़िया सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर एम्प्लॉयज, मिस्टर यादव बॉट अ डार्क ब्लू कलर्ड क्लॉथ फ्रॉम विवेक बट डिड नॉट डिस्क्लोज द सेलर द पर्पज फॉर द सेड परचेज। अब गलती किसकी इसके अंदर? यादव की गलती है बेटा, यादव, है ना। अब देखो, वेन द यूनिफॉर्म्स वेर प्रिपेयर्ड एंड यूज बाय द एम्प्लॉयज द क्लॉथ वॉज फाउंड अनफिट। अब जब यहाँ पे इन्होंने यूनिफॉर्म बनाया तो बोले बहुत ज्यादा अनफिट लग रहा है, ठीक नहीं लगे, ठीक नहीं लागे। हाउ एवर देर वॉज अ एविडेंस दैट क्लॉथ वॉज फिट फॉर द कैप्स बूट्स एंड कैरेज लाइनिंग। बहुत ही बढ़िया, मतलब जूतों के आप उससे जूते बना सकते हो, आप उससे कैप बना सकते हो, लेकिन पहनने का कपड़ा नहीं बना सकते। एडवाइज मिस्टर यादव वेदर ही इज एंटाइटल्ड फॉर द रेमेडी अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब सबसे बड़ी गलती क्या हो गई, इसने डिस्क्लोज नहीं किया बेटा सेलर को, सबसे बड़ी गलती तो ये थी। तो ऐसे केस के अंदर मुझे तो इसका आंसर पता है कि वो नहीं कर सकता, क्योंकि इंप्लाइड कंडीशन कब आता है कि हमने जो गुड्स खरीदे वो फिट फॉर पर्टिकुलर पर्पस तभी हो सकते हैं जब हमने सेलर को अपने यूज के बारे में बताया और हमने उनके स्किल्स के ऊपर रिलाय किया, तब जाके हम सामने वाले व्यक्ति को जिम्मेवार मनवा सकते हैं। अभी हम लोग क्या उसे जिम्मेवार मनवा सकते हैं क्या? नहीं सर, उस चीज को हम लोग जिम्मेवार नहीं मनवा सकते, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। क्या आप इस बात को समझ गए क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे? यस सर। देखो, देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दैट एन आर्टिकल इज फिट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ओनली अराइजेस व्हेन द पर्पस फॉर व्हिच गुड्स आर सप्लाइड इज नोन टू द सेलर। जब आप सेलर को होंगे तब जाके ही चीजें बढ़िया हो सकती है। द बायर रिलाइड अपॉन द सेलर स्किल और जजमेंट एंड द सेलर डील्स इन द गुड्स इज इन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में बोला जा रहा है, और यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने ये धंधा भी करना चाहिए। अब ऐसे केस में होता क्या है, अब ऐसे केस में केपेबल ऑफ बीइंग सप्लाइड मतलब यहाँ पे वैरायटी ऑफ पर्पसेस, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पेसिफिक पर्पस बताया क्या? नहीं बताया। जब स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया तो ऐसे केस के अंदर इम्प्लाइड कंडीशन क्या हिट होने वाली है क्या? नहीं सर, इम्प्लाइड कंडीशन हिट नहीं होंगी, और अगर वो हिट नहीं होंगी तो क्या कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता है? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे अवॉइड नहीं किया जा सकता, बस यही वाली बात यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? जमा है क्या? बोलो पटपट पटपट जल्दी से मुझे, जमा है क्या, है ना। चलिए आएंगे आएंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चले, सभी लोग बोलो नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चले, है ना। आओ एकदम सिंपल है ये, आइए। अब देखो, व्हाट आर द इंप्लाइड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल, ऑल्सो स्टेट द इंप्लाइड वारंटी इज ऑपरेटिव अंडर द सेड एक्ट। मतलब आपको इंप्लाइड वारंटी के बारे में भी बताना है, और दूसरी वाली बात आपको सेल बाय सैंपल के बारे में भी यहाँ पे बताना है, दोनों चीजों से रिलेटेड यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द फॉलोइंग आर द इंप्लाइड कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 17 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो क्या क्या है? सबसे पहली बात, बल्क बल्क शाल करस्पॉन्ड विद सैंपल होना चाहिए, जो हमारा बल्क है गुड्स का वो सैंपल के साथ मेल खाना चाहिए। दूसरा, आर ओ बी एच होना चाहिए, मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग अर्ड, या रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए सैंपल को कंपेयर करने का। और तीसरी वाली बात, ये फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। क्या कहा मैंने? ये फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, ये तीसरी वाली बात होती है जो उसे मर्चेंटेबल क्वालिटी का बनाए। क्या बनाए बोलो सभी लोग? जो उसे मर्चेंटेबल क्वालिटी का बनाए, ऐसी वाली बात यहाँ पे कही गई है। बहुत बढ़िया सर, एकदम सिंपल। अब कौन सी इंप्लाइड वारंटीज होती है? वारंटी, इंप्लाइड वारंटी केवल चार है बेटा। सबसे पहला क्वाइट पोजेशन से रिलेटेड, दूसरा फ्री फ्रॉम एनकंबरेंसेस, तीसरा अगर मैं बात करूं फिटनेस या क्वालिटी या फिटनेस ट्रेड के लिए, और डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स के लिए यहां पे हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक मिनट रुके, पी एफ एफ डी, क्या कहा मैंने?
PFFD, सभी लोग ध्यान रखिएगा PFFD, बस इसको ऐसा याद रखना, ये क्या है बेटा, वारंटी है। PF में FD करवा दो, ठीक है, PF में FD करवा दो। वारंटी के चार पॉइंट्स आपको याद रह जाएंगे, एक P से यहाँ पे पोजेशन से रिलेटेड, एक F से फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस या फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद एक और F से क्या है, फिटनेस बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड, पर्टिकुलर फिटनेस होना चाहिए यहाँ पे, और D वाला पॉइंट होता है डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। ये चारों पॉइंट को याद रखना जरूरी है, चार मार्क के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट सवाल ये वाली चीज़ होती है, चार मार्क के लिए एकदम परफेक्ट वाली चीज़ यहाँ पे आती है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन हुआ, वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम एनकंबरेंसेस हुआ, उसके बाद देखो फिटनेस फॉर क्वालिटी एंड यूसेज ऑफ ट्रेड, और फिर हुआ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। तो पीएफएफडी, पी से क्या है पोजीशन, एफ से क्या है दोस्तों फ्री फ्रॉम एनकंबरेंसेस, एक और एफ से क्या है यहां पे फिटनेस, फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, और डी से क्या है डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। ये चार पॉइंट इसके अंदर आने वाले हैं, ऐसी वाली बात यहां पे आ रही है, ठीक है। क्वाइट पोजीशन का मतलब होता है जब मेरे पास गुड्स आ जाए तो कोई और व्यक्ति ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इस गुड्स के ऊपर मेरा कंट्रोल है, उसे बोला जाता है फ्री क्वाइट पोजीशन। दूसरा फ्री फ्रॉम एनकंबरेंसेस का मतलब होता है अगर मैं इस गुड्स को आपको बेच रहा हूं तो इस गुड्स के ऊपर किसी और का चार्ज नहीं होना चाहिए। कई बार मैं फोन बेटा ईएमआई के ऊपर लेता हूं तो बैंक वालों का चार्ज होता है इसके ऊपर, तो मैं आपको यह फोन बेच नहीं सकता जब तक यह चार्ज रिमूव ना हो जाए। उसके बाद सी वाला पॉइंट क्या कहता है, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस या यूसेज बाय ट्रेड, मतलब ये कहता है कि यहाँ पे आप जिस गुड्स के लिए, आप जिस गुड्स को खरीद रहे हो जिस भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो पर्पस फुलफिल हो पाना चाहिए। क्या कहा मैंने, वो पर्पस फुलफिल हो पाना चाहिए, उसे बोला जाता है क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। और फिर डी वाला पॉइंट आता है डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स से रिलेटेड, जो कहता है कि अगर गुड्स एक डेंजरस नेचर के है तो ऐसे केस के अंदर हम लोगों ने डिस्क्लोज करना चाहिए डेंजरस नेचर को, डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स को हमने डिस्क्लोज करना चाहिए, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। क्या आप इस बात को समझे दोस्तों, है ना, ये वाली बात यहां पे हुई है। अब देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेमो डैट क्वेट नॉन हैबिट, क्या हुआ यहाँ पे, नेमो डैट क्वेट नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव और ट्रांसफर गुड्स विच ही डज नॉट हिमसेल्फ ओन, एक्सप्लेन दिस रूल एंड स्टेट द केसेस विच रूल्स डज नॉट अप्लाई अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मतलब सर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपको समझना है नेमो डैट क्वेट नॉन हैबिट को आपको समझना है, इस प्रिंसिपल को समझना है। अब ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो गुड्स खुद का नहीं है, जो गुड्स मेरा जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्या मैं उस गुड्स को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता हूं क्या, नहीं सर मैं उसे किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता, मुझे वो चीजें, पहला तो ये रूल हुआ। और इसके अलावा मेन क्या चीज है यहां पे, मेन है यहां पे इसके एक्सेप्शंस, जहां पे देखो रूल डज नॉट अप्लाई बोला गया है, तो ये इसके एक्सेप्शंस के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे मेन जो सवाल है ना वो एक्सेप्शंस के ऊपर खेला हुआ है, आपको मेन चीजें जो समझाना चाहते हैं ये लोग, आपको एक्सेप्शंस लिखवाना है यहां पे, ऐसी वाली बात ये लोग कर रहे हैं। चलो आ जाएंगे फटाफट सभी के सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। चलो देखो एकदम बढ़िया तरीके से, अच्छा ये इसको लिख के बताऊं क्या, मैं आपको इसको लिखे क्या, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी का सवाल है, ठीक है। चलो आ जाएंगे, कम ऑन एवरीवन, आंसर नंबर टेन,
चलो देखो, पहला सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट ऑफ ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट, ऑफ गुड्स और अ सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ ऑफ टाइटल टू गुड्स वुड पास, टू गुड्स वुड पास अ गुड टाइटल टू बायर, अ गुड टाइटल टू बायर इन सम सर्कमस्टांसेस, इन सम सर्कमस्टांसेस। पहला, इफ ही इज इन पजेशन ऑफ गुड्स, गुड्स और डॉक्यूमेंट विथ कंसेंट, कंसेंट ऑफ द ओनर। ठीक है, ठीक है। बी, इफ सेल वॉज मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सी If buyer acted in a good faith, if buyer acted in a good faith, if buyer acted in a good faith. Second, sale by one of the joint owners, sale by one of the joint owners, chalo likho, sale by one who has possession of goods, who has possession of goods with consent of other owner can of other owner can transfer them, can transfer them, can transfer them who buys them in good faith, who buys them in good faith. ठीक है, चलिए तीसरा लिखे, sale under voidable contract, sale under voidable contract, sale under voidable contract, if contract
is not avoided in case of coercion undue influence fraud and misrepresentation then further sale would be valid चलो हो गया बोलो जल्दी से मुझे पहले को फोर्थ छोटे छोटे पॉइंट्स बढ़िया करने का सेल बाय अनपेड सेलर where unpaid seller who has exercised right of lien or stoppage in transit resells the goods, comma, the buyer acquires good title. Two goods as against original buyer चलो आगे बढ़े क्या यस मेरे हिसाब से चार पॉइंट्स हो गए अपने लिख के सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट जॉइंट ओनर्स वॉइडेबल यहाँ पे वो जेठालाल वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि जेठालाल ने मेहता साहब को गुड्स ऑलरेडी बेच दिए लेकिन उसके बाद बबीता जी आती है तो बबीता जी को भी वो सेल कर सकता है क्या कर सकता है ये वाली बात थी और मान लो मैंने यहाँ पे बबीता जी को गुड्स दे दिए अभी तक ओनरशिप पास नहीं हुई थी क्या वो उसको फर्दर सेल कर सकते हैं हाँ सर उनके पोजीशन में कर सकते हैं अनपेड सेलर है और फिर प्रोविजन ऑफ द एक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ऊपर 11 के ऊपर हम लोग आएंगे अब देखो क्या बोला जा रहा है देर इज नो इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस है ना डिस्कस द सिग्निफिकेंस मेरे हिसाब से ये रिपीट हुआ है सवाल अपन लोगों का है ना यस सर ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11 रिपीट हो रहा है यहाँ पे ठीक है तो ये वाली चीज है तो इसको दोबारा से नहीं करेंगे आज का अपना पहला सवाल ही यही वाला था चलिए आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन द कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी एंड कंडीशन एज टू होलसमनेस आई थिंक सो ये भी रिपीट हो रहा है ना तो इसे भी हम लोग यहाँ पे रिपीट करके लिख देते हैं ठीक है चलिए आइए फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोल रहा है जे द ओनर ऑफ द फियाट कार वॉन्ट्स टू सेल हिज कार ठीक है फॉर द पर्पज ही हैंडेड ओवर द कार टू पी अ मर्केंटाइल एजेंट फॉर सेल प्राइस ऑफ नॉट लेस देन 50,000 रुपये बहुत बढ़िया अब देखो द एजेंट सेल्स द कार फॉर ₹40,000 टू ए हु बाइज द कार इन अ गुड फेथ एंड विदाउट द नोटिस ऑफ एनी फ्रॉड अब पी मिस अप्रोप्रिएट द मनी ऑल्सो जे सूज ए टू रिकवर द कार गिव रीजन कि क्या यहाँ पे जे सक्सीड होगा क्या जे यहाँ पे सक्सीड नहीं होने वाला है मुझे आपको एक बात बताना है तो ऐसे केस के अंदर सर देखो जे यहाँ पे कार तो रिकवर कर पाने वाला है क्या नहीं सर जे यहाँ पे कार तो रिकवर नहीं कर पाने वाला है इस चीज का ध्यान रखना ए से क्योंकि उसने गुड फेथ में खरीदा है और एजेंट से खरीदा है इस चीज का ध्यान रखना होगा एजेंट से भी खरीदा और गुड फेथ में खरीदा तो इस ऐसे केस के अंदर वो रिकवर नहीं कर पाएगा अदरवाइज क्या वो रिकवर
रिकवर कर पाता था। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल रिकवर कर पाता था। ठीक है चलिए आएंगे फटाफट क्वेश्चन नंबर कौन से इसके ऊपर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर हम सभी के सभी लोग आने वाले, फटाफट लिखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है चलो देखो क्या बोला जा रहा है। आंसर नंबर आओ यहाँ पे आंसर नंबर 14। ठीक है सभी लोग प्लीज फोकस कीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखो क्या बोला जा रहा है, जे द ओनर ऑफ फिएट कार है। ठीक है अब अपने को यहाँ पे लिखना है ठीक है परफेक्ट है। एक्ट एप्लीकेबल देखो सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मैं सीए बन चुका हूँ, आपको सीए बनना है, आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा लिखना होगा। ठीक है चलिए आइए उसके बाद प्रोविजन लिखेंगे। लिखो पहला मर्केंटाइल एजेंट हु इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस Mercantile agent who is in ordinary course of business sells or consigns goods, sells or consigns goods for purpose of sale can pass good title to other person चलो जमा है क्या? ओके सर आ जाइए नेक्स्ट वाली चीज लिखो। दूसरा Following conditions need to be satisfied. देखो agent should be in possession of goods or title to goods. Dusra agent should sell goods in ordinary course of business Tisra buyer should act in good faith ठीक है आ जाओ अब कंक्लूजन
फटाफट लेक्चर्स को लाइक करेंगे सारे के सारे लोग। आप लेक्चर को लाइक नहीं कर रहे, दिल से बुरा लगता है साहब। एक अटेम्प्ट में पास होना है, लेक्चर को लाइक करें, ठीक है। आओ यहाँ पे कंक्लूजन, जे ओनर ऑफ फियाट कार wants to sell, owner of Fiat car wants to sell car on one condition that minimum price should be $50,000. However, he sold for $40,000. And A buys in good faith. Which means A got good title and J cannot recover price. मजा ही आ गया ये तो। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, ठीक है। यस चलिए आइए। गुजरात से कौन है, क्या कर लूंगे जान के गुजरात से कौन है, घर में जाऊंगे एक एक के, ढोकला भिजवाऊंगे एक एक के घर पे, गुजरात से कौन है। आओ जबरदस्ती टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हो यहाँ पे, आओ चलो उसके लिए है ना बेटा अमिताभ जी, आप काय टेंशन ले रहे हो। चलिए आज शाम में मिलेंगे हम लोग, कितने बजे, 8 बजे, जहाँ पे हम लोग इसका पार्ट 3 लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग कवर करेंगे सोगा को एकदम बढ़िया ढंग से। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, बोल दीजिए मुझे जल्दी से। यस सर, इस क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे और बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। जाने से पहले इतना कहना चाहूँगा, नागपुर में फेस टू फेस मैराथन होने जा रहा है। कब है सर? 3 और 4 जून को मैराथन होने जा रहा है। यहाँ पे ये वाला एड्रेस है बेटा, रजिस्टर करने के लिए आपको इस लिंक के ऊपर जाना है, दैट इज bit.ly/igsirlive, और रजिस्टर कर दीजिए नागपुर मैराथन के लिए फटाफट। आईजी सर इस कोड का आप प्रयोग कर सकते हैं नागपुर मैराथन को रजिस्टर करने के लिए। इसके अलावा प्लस या आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लास, वीकली डेस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, सेम चीजें आइकॉनिक में। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, ठंडा मतलब कोका कोला, कोड मतलब आईजी सर। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं आपको इंटरमीडिएट का लॉ भी पढ़ाता हूं, तो आप डेफिनेटली अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेके मुझसे लॉ भी पढ़ सकते हैं। मैं अलग से अपना कोर्स लेके आता हूं इंटरमीडिएट के अंदर, एकाग्रता के अंदर, एकाग्रता बैच के अंदर मेरा कोर्स नहीं आता, एक सेपरेट कोर्स आता है मेरा सीए फाउंडेशन में। जैसे एकाग्रता में आता हूं, वैसे सीए इंटरमीडिएट में अलग से आता हूं। तो अगर आप प्लस ले लेते हैं तो आप वो देख सकते हैं, आप अलग से कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं सीए इंटरमीडिएट में, इतना जबरदस्त ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है। इसके अलावा आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आईजी सर इस कोड का प्रयोग करके। बहुत बहुत धन्यवाद।